अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें हमारे लेसन नंबर 1 साइकोलॉजी 515 का, यानी क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। जैसे कि हम सब जानते हैं साइकोलॉजी क्या है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। अब क्रॉस कल्चर अगर आ गया तो यानी हम ह्यूमन बिहेवियर को अंडर डाइवर्स कल्चरल कंडीशन के स्टडी करेंगे, यानी मुख्तलिफ कल्चरल कंडीशंस के अंदर ह्यूमन बिहेवियर का एक स्पेसिफिक जो है आंसर या फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जो क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी है इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिक्स भी हुई हैं, उसके अलावा इसके हक़ में भी काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ने काम किया है। ठीक है, जैसे कि बैरी, पोर्टिंगा, सीगल और डेजन ने। ठीक है, उसके अलावा लेजुरस और सिंथॉल का जर्नल था, उसमें क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी के बारे में जो है वर्क बयान किया गया। ठीक है, जो कि 1860 में पब्लिश हुआ था। क्या जर्नल था? जर्नल ऑफ फोक साइकोलॉजी एंड लैंग्वेज साइंस। ठीक है, उसके अलावा विलियम्स एच आर रिवर्स ने भी काफ़ी काम किया इसके ऊपर। ठीक है, अब क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी में दो कॉमन अप्रोचेज यूज़ होती हैं, एक होती है एटिक, दूसरी होती है एमिक। एटिक के अंदर हम क्या देखते हैं कि कल्चर्स के दरमियान कौन कौन से सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, यानी अगर एशियन कल्चर है या वेस्टर्न कल्चर, इनके दरमियान क्या सिमिलैरिटी है। इसी तरह एमिक में क्या हम देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, यानी कि जो है आपके डिफरेंसेस क्या क्या हैं, वेस्ट के अंदर कौन से डिफरेंसेस हैं और एशियंस के अंदर कौन से डिफरेंसेस हैं। यानी डिफरेंसेस को अगर हमने पढ़ना होगा तो एमिक अप्रोच देखेंगे, जबकि अगर हमने सिमिलैरिटीज़ देखनी होंगी तो हम एटिक अप्रोच देखेंगे। तो अगर हम डिफरेंट फैक्टर्स को अगर हम स्टडी करना चाहें कल्चर्स के थ्रू, तो दो मेन फैक्टर्स बैरी ने जो डिस्क्राइब किए हैं वो कौन कौन से, एक है चाइल्ड रेयरिंग और दूसरा है डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी वेरिएबल्स। चाइल्ड रेयरिंग यानी किस लिहाज से जो है डिफरेंट कल्चर्स बच्चों की डिवेलपमेंट करते हैं, उनकी नशोनुमा करते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, डायमेंशन आ जाती हैं। एक आती है ओबीडियंस ट्रेनिंग, सेकेंड नर्चरस ट्रेनिंग, ठीक है, और अचीवमेंट ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग, सेल्फ रिलायंस एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, यानी बच्चे की पूरी ट्रेनिंग किस तरीके से डिफरेंट कल्चर्स में की जाती है। अब डिफरेंसेस इन पर्सनैलिटी वेरिएबल्स में अगर हम देखें तो विलियम्स एंड बेस्ट ने डिफरेंट सोसाइटीज़ को देखा, किस हवाले से, जेंडर स्टीरियोटाइप्स के, यानी मेल और फीमेल के जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, जो बिलीफ्स बने हुए हैं, वो क्या क्या डिफरेंसेस उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, यानी एशियन में अगर जो जेंडर में क्या फ़र्क है, यानी एशियन वुमेन कैसे होती है या वेस्टर्न वुमेन कैसे होती है, या वेस्टर्न मेल कैसे होते हैं या एशियन मेल कैसे होते हैं। ठीक है, यानी जेंडर रोल्स पे उन्होंने वर्क किया था विलियम और बेस्ट ने 13 एशियन के अक्रॉस, यानी 30 उसमें जो थे वो ममालिक और कौमें शामिल थी। ठीक है, इसके बाद जो है अगर हम क्रॉस कल्चर स्टडी साइकोलॉजी को स्टडी करने लगेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट इज़ कल्चर। कल्चर क्या है, कल्चर्स में हमें क्या देखने को मिलता है। किसी भी हमें मुल्क का अगर कल्चर देखना है तो हम क्या देखेंगे, उसका क्यूमुलेटिव डिपॉजिट ऑफ नॉलेज। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस, बिलीफ हो गए, वैल्यूज़, एटीट्यूड, वहाँ के जो रिहायशी हैं उनके क्या बिलीफ्स हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस हैं, उनका क्या नॉलेज है, उनका क्या एटीट्यूड है, उनका रिलीजन क्या है, उनका नोशन ऑफ टाइम क्या है, उनके रोल्स क्या हैं, स्पेटियल रिलेशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स क्या है। ठीक है, उसके अलावा मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो गए, और जो जो उस ग्रुप ऑफ पीपल की पोजेशंस उन्होंने एक्वायर की हैं। ठीक है, कोर्स ऑफ जनरेशन, यानी जो लगातार चली आ रही हैं जनरेशन टू जनरेशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, दिस इज़ कॉल्ड कल्चर। सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो क्या है, कल्चर इज़ द सिस्टम्स ऑफ नॉलेज शेयर्ड बाय रिलेटिवली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, यानी काफ़ी सारे लोग हैं और उन्हें उनमें क्या चीज़ कॉमन पाई जाती है, सिस्टम्स ऑफ नॉलेज, के वहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिमिलर। हम देखें पाकिस्तानी का एक ख़ास कल्चर है, ठीक है, इसी तरह इंडियन एक ख़ास कल्चर है, बांग्लादेश में अपना कल्चर है, अफ़गानिस्तान में अपना कल्चर होगा, इस तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अपना कल्चर होगा। तो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ख़ास नॉलेज शेयर करते हैं, सिस्टम्स ऑफ नॉलेज, उसे हम क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। ठीक है, और इसी की अगर हम स्टडी करेंगे तो क्या कहलाएगी, वो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी कहलाएगी, यानी उसमें हम डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी कर रहे हैं। अब थ्योरी ऑफ कल्चरल डिटर्मिनिज़म क्या है,
इसमें जो है ये थ्योरी कहती है कि आइडियाज़, मीनिंग और बिलीव जो होते हैं, यानी जो लोग सीखते हैं वो अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, यानी सोसाइटी जो होती है वो ह्यूमन नेचर को डिटरमिन करती है। ठीक है, डिटरमिनिज्म यही है कि जो सोसाइटी है वो क्या करती है, वो ह्यूमन नेचर को डिटरमिन करती है। ये है थ्योरी ऑफ कल्चर डिटरमिनिज्म। अब इसके एक तो वीक पॉइंट है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि लोग जो हैं वो जो चाहें उनको फ्रीडम है, वो जो चाहें सीख सकते हैं, ठीक है, राइट वे भी सीख सकते हैं और जो चाहें सोसाइटी में कर सकते हैं। लेकिन एक इसका वीक पॉइंट है, वो क्या है कि उन्हें अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि सोसाइटी उनके ऊपर कंट्रोल रखती है, और बल्कि वो क्या है, ह्यूमन पैसिव क्रिएचर्स हैं। ठीक है, यानी उन्हें सीखने का कोई इख्तियार नहीं है, जो सोसाइटी चाहेगी वो उनको सिखा पाएगी। तो ये इसका एक पेसिमिस्टिक यानी वीक पॉइंट है। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है, इसके मुताबिक डिफरेंट कल्चरल जो ग्रुप्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, फील डिफरेंट तरीके से करते हैं और एक्ट भी डिफरेंट तरीके से करते हैं, यानी हर कल्चर का एक रिलेटिव जो है बिहेवियर होगा। उसके बाद मैनिफेस्टेशंस ऑफ कल्चर, कल्चर की मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, थ्रू डिफरेंट वेज होती है। फर्स्ट है सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स के थ्रू होती है। सिंबल्स में क्या आते हैं, वर्ड्स आते हैं, गेस्चर्स, पिक्चर्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे जैसे न्यू सिंबल्स डेवलप होते हैं पुराने डिसअपेयर हो जाते हैं। इस तरह फिर जो सिंबल है ये क्या करती है, ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कल्चर, कल्चर की आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद जो है हीरोज़ आ जाते हैं। हीरोज़ क्या हैं, दे आर द पर्सन्स पास्ट और प्रेजेंट, रियल और फिक्शियस, ठीक है, यानी प्रेजेंट के, पास्ट के, रियल या फिक्शियस भी हो सकते हैं हीरोज़, ठीक है। और मॉडल्स फॉर बिहेवियर, सबसे पहले सिंबल, मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चर, उसके बाद हीरोज़ यानी रोल्स हो गए। रिचुअल्स, रिचुअल्स क्या हैं, ये कलेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, यानी जो मुख्तलिफ ह्यूमन बीइंग्स बिहेव करते हैं डिफरेंट वेज से, ठीक है। रिचुअल्स यानी हम एक किस्म का कह लें कि रस्म और रवाज, ठीक है, डिफरेंट सेरेमनीज़ हो गई इसके अंदर, जैसे मुसलमानों के रिचुअल्स कौन से, ईद हो गई, उसके बाद शब मेराज, शब कदर, इस तरीके से। और जो इंडियन के हैं उनके होली और उनकी जो होती है रक्षाबंधन, और इस तरीके से जो मुख्तलिफ सेरेमनीज़ हैं, ठीक है, तो रिचुअल्स हो गए। उसके अलावा कोर ऑफ अ कल्चर इज़ फॉर्म्ड बाय वैल्यूज़, वैल्यूज़ भी आती हैं इसके अंदर, गुड ईवल, राइट रोंग, नेचुरल अननेचुरल, क्या झूठ है क्या सच है, क्या राइट है क्या रोंग है, ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं ये एक कल्चर के ख़ास बुनियादी हिस्सा होती हैं, ठीक है, यानी सिंबल, हीरोज़, रिचुअल्स, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये कल्चर की मैनिफेस्टेशन है, यानी किस तरीके से कल्चर अपने आप को शो करता है। अब लेयर्स ऑफ कल्चर आ जाती हैं, ठीक है, लेयर्स ऑफ कल्चर के, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आता होता है अक्सर, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। क्या है लेयर्स ऑफ कल्चर, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, जेंडर लेवल, जनरेशन लेवल, सोशल क्लास लेवल, कॉरपोरेट लेवल। नेशनल लेवल क्या है, इट इज़ एसोसिएटेड विद नेशन एज अ होल, यानी नेशनल लेवल पे पूरी कौम आ जाएगी, ठीक है, वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, पूरी नेशन क्या है उनका बिहेवियर है, ठीक है। रीजनल लेवल पर अगर हम देखें तो इसमें क्या है, एसोसिएट होता है विद स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, एथनिक, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस डिफरेंसेस, यानी एक ही नेशन के अंदर मुख्तलिफ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, जैसे सिंधी, बलोची, पंजाबी, सराइकी, या इस तरीके से जितने भी लिंग्विस्टिक या रिलीजियस डिफरेंसेस हैं वो रीजनल लेवल पे पाए जाते हैं। फिर आता है जेंडर लेवल, उससे छोटा लेवल आ जाता है, जेंडर यानी फीमेल वर्सेज मेल। फिर अगर हम जनरेशन को देखें, एसोसिएटेड विद डिफरेंसेस, यानी ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के दरमियान क्या डिफरेंसेस था, फिर पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन के दरमियान क्या डिफरेंसेस है, ये जनरेशन लेवल की स्टडी है। फिर सोशल क्लास लेवल आ जाता है, इसमें क्या आते हैं, डिफरेंट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और ऑक्यूपेशन के हवाले से डिफरेंसेस, यानी मुख्तलिफ पेशे जो हैं इंसान के, वो क्या उसमें उनका, यानी एक ऑक्यूपेशनल सेटिंग में क्या बिहेवियर होता है, ठीक है, उसके यानी ऑक्यूपेशंस क्या शो करते हैं। कॉरपोरेट लेवल अगर हम देखें तो इसमें क्या है, एसोसिएटेड विद पार्टिकुलर कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें खास ऑर्गेनाइजेशन का ही कल्चर आएगा, ठीक है, एक फैक्ट्री है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर क्या बिहेवियर ह्यूमंस शो कर रहे हैं, एक वो एक कॉरपोरेट लेवल की स्टडी होगी। कल्चर में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो सबसे बेसिक लेवल कौन सा है, नेशनल, फिर रीजनल, जेंडर, जनरेशन, फिर सोशल क्लास और फिर कॉरपोरेट लेवल, ठीक है। इसके बाद जो है, उसके बाद डिफरेंट चीज़ें कुछ बताई हुई हैं कि एसोसिएशन ऑफ पोस्ट कल्चर साइकोलॉजी वजूद में आई थी 1972 में,
ठीक है, इसमें 70 कल्चर्स जो थे, कंट्रीज़, उनके डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आए थे, ठीक है, और उन्होंने जो है 800 जो है साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसमें शिरकत की थी, और ISCP को जो है वो वजूद में लेकर आए थे, ठीक है। ISCP क्या थी? ये इंटरनेशनल रीजनल मीटिंग्स का एक जो थी प्रोफेशनल जो मीटिंग्स होती थी इनके अंदर, ठीक है, यानी तमाम जितने भी कल्चर्स के साइकोलॉजिस्ट थे वो इस ISCP के ज़रिए मिलते थे और डिस्कस करते थे डिफरेंट जो है साइकोलॉजी को, ह्यूमन बिहेवियर्स को, या जो उनके दरमियान कन्वर्सेशन होती थी। 1998 में 25th एनिवर्सरी, ये MCQs के हवाले से आ सकते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है वाई मैनी साइकोलॉजिस्ट इग्नोर और रेजिस्ट द चैलेंज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कल्चर इन देयर वर्क। कई साइकोलॉजिस्ट अपने वर्क में क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी जो है यानी कल्चर को इनकॉर्पोरेट डालते हुए यानी वो डरते हैं, ठीक है, क्यों इग्नोर करते हैं, काफ़ी सारी इसकी रीज़न है। मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं क्योंकि काफ़ी मुश्किल काम है। एक होता है आप अपने एरिए में स्टडी कर रहे हो, फिर अगर कर रहे हो चलो अपने मुल्क में स्टडी कर रहे हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हमसाया ममालिक की तरफ स्टडी कर लोगे, लेकिन एक जगह जगह घूमना, डिफरेंट कल्चर्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से भी साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इस ऐसे टॉपिक्स को, कल्चरल टॉपिक्स को इग्नोर करते हैं। उसके अलावा और क्या है, एक और इनहिबिटिंग फैक्टर है कि इसमें जो है काफ़ी डिसिप्लिन्स कंपार्टमेंटलाइज होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इनके पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, यानी आप एक टॉपिक लोगे फिर उसके पार्ट बनाओगे, हर एथनिक हर रीजन का अपना हिसाब होता है, तो ये क्या होंगे, इनके कंपार्टमेंट बनेंगे जो कि मज़ीद मुश्किलात क्रिएट करेंगे। उसके अलावा क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो कल्चर के लिए, ख़ास कल्चर के लिए स्पेसिफिक टाइम निकाल सकें, तो इस वजह से भी वो इग्नोर करते हैं। एक और जो जो है इनका, इसका इनहिबिटिंग फैक्टर वो क्या है कि काफ़ी जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो ऐसे टॉपिक से शाये करते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, वही वाली बात है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से या टाइम मैनेजमेंट की वजह से जो है साइकोलॉजिस्ट इग्नोर या रेजिस्ट करते हैं ऐसे टॉपिक से। अब क्या करते हैं क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट, क्यों करते हैं और उनके करने का तरीका क्या होता है? क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट जो हैं इनका असल काम क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर्स को डिफरेंट साइकोलॉजिकल यानी सॉरी डिफरेंट साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स को अंडर डाइवर्स कंडीशन स्टडी करना, ठीक है। अब क्रॉस कल्चर साइकोलॉजिस्ट की जो ब्रेड्थ है यानी इसकी जो एक मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि हेट्रोजीनिटी ऑफ मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी, यानी काफ़ी ममालिक की जो हेट्रोजीनिटी, काफ़ी नेशंस की हेट्रोजीनिटी, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ये एक इसकी ख़ास मेन पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा जो है कल्चरल साइकोलॉजी जो है इसकी रूट्स मिलती है 1960 और 1970 के दरमियान में, और ये 1980 और 90 में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई थी। इसके ऊपर मार्कस कितियामा, ब्रूनर, श्विडर, कोल, निस्बत कोहन ने काम किया था, ठीक है। कल्चर